हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो विच आपां देखांगे महात्मा बरिंदर जी का पहला सत्संग। ये सत्संग सुन के बहुत वधिया लगूगा तुहानू। जिवें तुहानू पता, कुछ दिन पहला बाबा जी भी जगमाल वाली डेरा जाके आए सी। ये महात्मा बरिंदर जी जगमाल वाली डेरे दे हैड ने हुण। जिन्हां नहीं पता उन्हां नू दस देवां। ते दोस्तों, कुछ महीने पहला जिहड़ी तुसीं कॉन्ट्रोवर्सियली न्यूज़ सुनी सी यही डेरे दी, डेरा जगमाल वाली सिरसा हरियाणा, उस वीडियोस विच आपां क्लीयर भी कीता सी सारा कुछ अनबाइज्ड होके। तो फाइनल वीडियो भी दो बार पा चुकी आपां, दोनों पक्ष सामने रखे सी। खैर, तुसीं सत्संग सुनो जी, जो कि महात्मा जी ने जो उत्थे माहौल चल रहा वा डेरा जगमाल वाली विच, उस स्थिति नू देखदे हुए ही शायद ये गल्लां कहियां ने, तां आओ सुनदे आं। राम की कमाई का इतना असर है। एक बार एक फकीर किसी गाँव में से गुजर रहा था, गाँव में से गुजरते उसने एक बच्चे का गला काट लिया। गला काट के वो आगे अपनी कुटिया के अंदर चला गया। पीछे से लोग आ गए तो उससे फकीर से पूछा, अभी यहाँ एक कोई आदमी आया है क्या? गांव वालों को विश्वास ना हुआ कि ये फकीर ऐसा काम कर सकता है। तो गांव वाले जब इकट्ठे होके गए, भी यहाँ कोई और आदमी आया है क्या जी इधर? कहते भी यहाँ पर तो कोई नहीं आया। कहते भी गाँव के अंदर एक बच्चे का गला काट लिया। वो फकीर कहने लगा, भी बच्चे का गला मैंने काटा है। तो गांव वालों को विश्वास ना आए, भी इतना पहुंचा हुआ फकीर इतना ये छोटा काम, इतना गंदा काम कैसे कर सकता है? पर गांव के मौजूद लोग सारे इकट्ठे हुए, बात राजा तक पहुंची। राजा बड़ा स्याणा था, उसने फकीर को बुलाया। फकीर को बुला के कहा कि बाबा, ये बच्चे का कत्ल तूने किया है? कह जी हाँ मैंने किया है। राजा भी चिंता में पड़ गया, भी ऐसा हो कैसे सकता है? फिर राजा बड़ा समझदार था, उसने सोचा, उसने विचार किया, उस फकीर से पूछा, भी आज तूने बाबा खाया क्या था? उसने कहा, भी चने भूनने वाली भट्टी से मैंने चने लेकर खाए थे। राजा ने उस चने वाले भट्टी वाले को बुलाया, उससे पूछा, भी फकीर को जो तूने चने दिए थे वो किसके घर से आए थे? तो उस चने भूनने वाले ने राजा को बताया कि भी वो जो चने थे वो कसाई के घर से आए थे। कसाई के घर का अन्न खाने से उस फकीर की इतनी बुद्धि बदल गई कि उसने एक बच्चे का कत्ल कर दिया। तो गलत जगह से हराम की कमाई, दूसरे के धन से, किसी और के ऐसे घर के खाने से इतना हमारी मन और बुद्धि के ऊपर असर पड़ता है। सुनो भाई, हम इस दुनिया को, इस देश को अपना पक्का ठिकाना मान के बैठे हैं। यहाँ से हम सब ने जाना है। हमारे बाप दादे चले गए, उनसे पहले जो और पीढ़ियाँ थी वो चली गई, नंबर हमारा भी आना है। हम सारे यहाँ टेम्परेरी वीजे पे हैं। पता नहीं वीज़ा कब ख़त्म हो जाए, पता नहीं स्वांसा रूपी पूंजी कब ख़त्म हो जाए, पता नहीं मालिक के घर से कब बुलावा आ जाए। इसलिए शाने बन के रहो, समझदार बन के रहो। ये मन पांच चोर हमें सच्चाई से रूबरू होने ही नहीं देते। ये पांचों चोरों का और मन का काम सिर्फ यही है कि जीव को सच्चाई का पता ना लगे, ये सिमरन ना करे, ऐसा कोई भी काम ये ना करे जिससे कि इसका छुटकारा हो सके। इंसान का जन्म 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद मिला है। ये नर नारायणी देह है, देवी देवता भी इस जन्म को तरसते हैं कि हमें इंसान का जन्म मिल जाए, पूर्ण संत मिल जाए, उनसे नाम मिल जाए और सिमरन करके हम छुटकारे का बंदोबस्त कर लें। देवी देवता तो इंसानी जन्म को तरसते हैं और हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बाहर लोग कहते हैं कि भी संत देवी देवताओं को मंदिर जाने को बाहर सारे रीति रिवाजों को छुड़वाते हैं। संत छुड़वाते नहीं हैं, वो हमें सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, सारे देवी देवता अंदर दिखाए,
सब देवी देवता हमारे अंदर हैं, बाहर मूर्तियां हैं जड़, हमारी आत्मा है चेतन। चेतन को जड़ की तरफ लगाना पाप है। ये तो ऐसे है जैसे घर के अंदर साहूकार नौकर की पूजा करे। देवी देवता बाहर ना किसी को आज तक मिले हैं ना मिलेंगे, जिसको भी मिले हैं अंदर से ही मिले हैं, अंदर से ही प्रकट करना पड़ेगा। नाम भी अंदर है, देवी देवता भी अंदर हैं। आज तक जो भी अंदर गया है इसी रास्ते से गया है। असल मंदिर ये शरीर है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुई। पर बाहर धर्म के ठेकेदारों ने ये धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा है, वो कहता है मालिक के मिलने का ये रास्ता है, वो कहता है ये रास्ता है, वो कहता है ये रास्ता है। सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर बेचैनी अगर किसी ने फैला रखी है तो धर्म के ठेकेदारों ने फैला रखी है। सबसे ज़्यादा ठगी दुनिया में अगर किसी काम में है तो इस फकीरी वाले काम में और इस धार्मिक कामों के अंदर है। ये राजनेताओं को, ये तस्करों को भी फेल करते हैं। भोली भाली जनता है, इनको लूट लूट के ये नकली फकीर खाते रहते हैं। यहाँ से कोई भी किसी का खा लो, किसी के साथ कोई भी ठगी कर लो, आगे जाके पाई पाई का हिसाब होना है। कोई भी आदमी किसी का भी नहीं खा सकता, कोई किसी का खाएगा तो वो देना पड़ेगा। एक बार गदराना गांव के अंदर एक भैंस के सिर में कीड़े पड़ गए, वो ठीक नहीं हो रही थी। पुराने ज़माने की बात है, पूज्य मस्ताना जी के टाइम की बात है, तो उसको दवाइयाँ बहुत दिलवाई पर वो ठीक ना हुई। आखिर गांव वालों ने सलाह की कि भी इसको गोली मार देते हैं, ये तड़फ रही है, बेचारी परेशान है, इलाज इसका हो नहीं रहा। उन दिनों गदराना गांव के अंदर पूज्य मस्ताना जी आए हुए थे, तो गांव वालों ने सलाह की कि इसको गोली मारने से पहले पूज्य मस्ताना जी से विनती करेंगे, मस्ताना जी से पूछेंगे कि भी हम ऐसा कर रहे हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो पूज्य मस्ताना जी के पास गदराना गाँव के सत्संगी मिलने के लिए गए और पूज्य मस्ताना जी को विनती की कि जी ऐसे ऐसे बात है, भैंस के सिर में कीड़े पड़े हुए हैं, हमने बहुत इलाज करवाया पर वो ठीक नहीं हो रही, तो हम उसको गोली मार के उसका बिचारी का छुटकारा करना चाहते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने कहा भी अभी रुको, उसको देखेंगे फिर कुछ करना। तो दो तीन दिन के बाद पूज्य मस्ताना जी ने कहा भी चलो उन सत्संगियों जो सत्संगी है उसके घर चलते हैं कि वो भैंस को देख के आते हैं क्या बात है। जैसे ही पूज्य मस्ताना जी ने भैंस की तरफ देखा, उस घर के अंदर गए तो उस भैंस ने ऐसे ऊपर सिर उठाया। तो पूज्य मस्ताना जी ने कहा कैसे है भाई, आंखों आंखों में कोई बात हुई? तो सत्संगियों ने पूछा कि जी ये क्या है। पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि ये पिछले जन्म में नकली साध्वी थी और ये कीड़े ये इसके चेले थे। पहले ये अपने चेलों को लूट लूट के खाती थी, आज ये इसका चमड़ा पट पट के खा रहे हैं। फिर ये हाल होता है नकली फकीरों का। हम तो ये सोचते हैं भी खाओ पियो ऐश करो, कौन देखता है, किसी का हिस्सा ले लो, किसी के पैसे मार लो, किसी का कुछ कर लो, या जैसा बोओगे वैसा काटोगे, किसी का खाओगे तो उसका देना पड़ेगा। तो बाहर जितनी बेचैनी जितनी अशांति फैलाई हुई है वो नकली फकीरों और नकली धर्म के ठेकेदारों ने फैलाई हुई है। हम सबका धर्म एक ही है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। मालिक की बंदगी करना ये धर्म है, बाकी तो कोई धर्म है ही नहीं, बाकी तो ये नकली फकीरों के धर्म के ठेकेदारों के बनाए हुए हैं। ये तो राजनेताओं के इनके बनाए हुए हैं। अगर धर्म अंदर आ जाए तो शांति आ जाती है। हम यहाँ पे तो धर्म के नाम पे कत्ल होते हैं, अगर कोई किसी धर्म की बेअदबी कर दे तो वहाँ पे तलवारें चल जाती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। खुद के बनाए हुए मंदिर को बचाने के लिए, उस मालिक के बनाए हुए इस शरीर रूपी मंदिर को काटने तक जाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जहाँ पे दया नहीं है वहाँ धर्म तो है ही नहीं। सभी धर्मों के लोग मानते हैं कि मालिक एक है,
चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मानते, कोई नहीं कहता कि मालिक दो हैं। पर हर धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि उसके मिलने का रास्ता, मुसलमान कहते हमारे वाला सही है, हिंदू कहते हमारा सही है, ईसाई कहते हमारा सही है। इसी के अंदर दुनिया लड़ लड़ के मर गई। हाँ जी, कोई सी जगह।